अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं, इस तरह से इसमें सुधार हुआ। दिल्ली में अब रोज़ 20,000 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। ज़्यादा लोग जो हैं उनका घरों में, जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं करंट, अभी 25,000, उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाज चल रहा है। तो घरों में जो हमारा प्रोग्राम है लोगों की देखभाल करने का, घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, हर घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। मौत का रेशियो भी कम हुआ है। एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 125 से ज़्यादा मौत हो गई थी, आज दिल्ली में 55-60 के आसपास मौत हो रही है। और भी कम करनी है लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई हैं।